हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 893 की आंसर की, जो कि आज हुआ है यानी कि 5 अगस्त 2021 को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ हेल्थ टीचिंग विल अ न्यू मदर बी मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू ड्यूरिंग द टेकिंग इन फेज ऑफ द पोस्ट पार्टम पीरियड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेरिनियल केयर। 12th क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट हु इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दैट मींस PIH। व्हाट इफेक्ट्स वुड बी वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन। सो इसका आंसर होगा CNS डिप्रेशन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 13th क्वेश्चन, कल्चरल ट्रेड्स आर एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन। आंसर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 14th, इन अ फैमिली द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द मदर्स नेम, द फैमिली इज कॉल्ड मैट्रिलिनियल, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 15th, द वर्ड सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दीज आर सोशियस एंड लोगोस, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 16th, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहरा कमिटी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 17th, a post-operative client has been placed on a clear liquid diet. The nurse provides the client with which items that are allowed to be consumed on this diet. So the answer for this will be bolon, option D, shorba that means. 18th is, the nurse is teaching a client who has iron deficiency anemia about foods she should include in her diet. The nurse determines that the client understands the dietary instructions if she selects which of the following from her menu. So इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, oranges and dark green leafy vegetables. Next is, the nurse is instructing a client with hyperkalemia on the importance of choosing foods low in potassium. The nurse should teach the client to limit which of the following foods. So इसका आंसर जो होगा वो होगा lettuce, option D will be correct. 20th, behaviorism, the science of behavior was proposed by, so option C, J.B. Watson will be right. 21st, operant conditioning was proposed by, option B, B.F. Skinner will be correct. 22nd, Gesalt is a German term meaning good form, option B will be correct. 23rd, which is a defining characteristic of living organisms? So option D, response to external stimuli, this will be correct. So friends, इस चैनल पर इस तरह की जो भी आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स भरते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल पर आती है। सभी एग्जाम्स की आपको HP GK और Indian GK आपको देखने को इस चैनल पर मिलता है, साथ में आंसर की इस पर सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में आप हमारा टेलीग्राम पेज और साथ में फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी डेली की डेली अपडेटेड मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज फर्स्ट इश्यूड इन सिस्टेमा नेचुरे, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 25th, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 26th, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, लिंक फॉर फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक ओवर देयर। 27th, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 28th, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA इन साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन साइड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 29th, वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म ऑफ DNA अप्रॉक्सीमेटली इट इज 3.4 nm, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 30th, इन मियोसिस द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग इंटरफेस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 31st, स्टडी ऑफ बॉडी विस्केरा इज कॉल्ड स्पैनकोलॉजी, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 32nd, एडवाइजिंग persons एंड पेशेंट्स ऑन न्यूट्रिशनल requirements इज कनेक्टेड विद dietics, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देन नेक्स्ट, अ वायरल डिजीज नोन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम इज बोथ BNC, दैट मीन्स स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस इज DNA और RNA बट नॉट बोथ, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 35th, बॉटुलिज्म इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू saprophytic bacterium, so option A will be correct. 36th, marsh gas is produced by, option C, methanogens will be correct. 37th, sexual reproduction in eubacteria takes place by, all of these will be correct, option D that means. Then 38th, symbiotic association of fungi and algae is lichen, option A is correct. 39th, penicillin is got from a fungus, option C will be correct.
48th edible part of ginger is rhizosome. Option B will be correct. 41st, guava fruit is a berry. Option B will be correct. 42nd, which is an oil-sailed plant? So it is a sunflower. Option A is correct. 43, the figure of the god that was depicted in the seal of Indus Valley people was Pashupati. Option D will be correct. 44th, who was the founder of Jainism? So it was B, Mahavira. 45th, after the Mauryas, the most important kingdom in Deccan and central India was that of, it was Satavahans. Option C will be correct. Next, the Mughal Empire in India was founded by Babur. Option B will be correct. 17, the structure of Qutub Minar was completed by Iltutmish. Option B will be correct. The next, Swaraj as a national demand was first made by Dadabhai Naroji. Option C will be correct. Which is a legal advisor of state government as provided by the constitution? So option B, Advocate General, that will be correct. 50th, which can be abolished but not dissolved? So that is State Legislative Council. So options, State Legislature will be correct. 51st, the chairman and members of the State Public Service Commission are appointed by the president. Option A will be correct. 52nd, which of the following is a chemical change? So rusting of iron, that is option A will be correct. Next, electric current is measured by ammeter. Option C will be correct. 54th, red blood corpuscles are formed in bone marrow. Option D will be correct. 55th, aluminium salt commonly used to stop bleeding is potash alum. That is option C. 56th, World Trade Organization is the new name of GATT. Option C is correct. 57th, the main objective of a firm is to maximize. Option C, profit will be correct. 58th, year is longest on. So out of these options, it will be Jupiter. Otherwise, if we count all the planets, that will be Neptune. 59th, the chemically inactive gas present in the atmosphere is symbol argon. Option B is correct. 60th, the islands of Seychelles are located in, so it is Indian Ocean. Option C is correct. 61st, the main region of Sundarbans is Ganga Brahmaputra Delta. Option A is correct. 62nd, Rihand hydroelectric power project is located in which state? So it is in UP, Uttar Pradesh. 63rd, which is Himachal's highest state sports award? So it is Parshuram Award. Option C is correct. 64th, Himalaya Par Lal Chhaya. This book is written by Shanta Kumar Ji. Option B is correct. Which is the only person from HP to serve as both CM and governor? So it was Ram Lal Thakur. Then moving on to the 67th, Dhankar Monastery is located at which place? It is in Kaza. 68th, Nuwala is a festival of which tribe of Himachal? So it is of Gaddi tribe. Option C is correct. 69th, Skodi Fair is celebrated in which subdivision of HP? So it is in Joginder Nagar. Option A is correct. 70th, Namagan is a folk dance of the people of which district of Himachal? So it is of Kinnaur. Option C is correct. सो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करें तभी आपको हिमाचल जीके पढ़ना पड़े। ये ऐसा जीके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है हिमाचल की, इसलिए हिमाचल जीके के सभी क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हैं। 71st, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज, सो इट इज़ बरोक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 72nd, अंडर द इंडो जर्मन प्रोग्राम अ डेयरी डेवलपमेंट प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एट चक्कर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 73rd, Nurpur princely state was founded by Jethpal. Option C is correct. 74th, which princely state was annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of lapse in 1850? So it was Baghat. Option B. 75th, Vedic name of river Ravi? It is Parushini. Option A. 76th, Mulang Valley is located in which district of HP? So it is in Lahaul Spiti. Option A is correct. 77th, Bada Shigdi refers to which of the following in HP? It is a glacier, biggest glacier in Himachal. So option B will be correct. So this was the first part of this staff nurse examination. Stay tuned for the second part. It will be coming very soon. Do subscribe to the channel so you do not miss any notification. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Himachal.